नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LSA लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक में। और मैं आज आपको जो वेटरनरी HDP डिप्लोमा जो कोर्स होता है वेटरनरी का, उसके बारे में बताऊंगा कि उसका पेपर जो और पैटर्न जो होता है वो किस प्रकार से आता है, और ये टोटल कितने नंबर का होता है, सेमेस्टर कितने होते हैं और कितने नंबर के आते हैं, और कब ये सेमेस्टर कैसे होता है। तो दोस्तों, आपका टोटल एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, जिसमें से 50 नंबर की प्रैक्टिकल और 50 नंबर की थ्योरी आती है, और उसमें वापस दो सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, और फर्स्ट सेमेस्टर 10 नंबर का होता है, जिसमें 5 नंबर थ्योरी के और 5 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, और सेकंड सेमेस्टर भी इसी प्रकार से 5-10 नंबर का होता है, जिसमें 5 नंबर का प्रैक्टिकल और 5 नंबर का थ्योरी होता है। ये दोनों इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, और उसके बाद होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है, और सेमेस्टर आपके कॉलेज के थ्रू होता है। तो यूनिवर्सिटी के थ्रू जो एक्सटर्नल पेपर आता है वो टोटल 80 नंबर का होता है, 80 नंबर का होता है, जिसमें से 40 नंबर की थ्योरी और 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी का जो पेपर आता है वो इस प्रकार है कि मैं आपको कुछ पुराना पेपर बताता हूँ जो 2019 का है, अभी गए हुए साल का। तो देखिए दोस्तों, ये 2019 का थ्योरी पेपर है, जिसमें आपको क्वेश्चन भी इसमें आते हैं और आंसर भी आपको इसी में लिखने हैं। अलग से आपको कोई आंसर शीट वगैरह नहीं मिलती है, कोई कॉपी नहीं मिलती है, तो आपको आंसर भी इसी में लिखने और क्वेश्चन भी इसी में होते हैं। तो ये थ्योरी का पेपर है जो टोटल 40 नंबर का होता है, ये 40 नंबर का होता है, जो चार भाग इसमें चार भाग में क्वेश्चन आते हैं, तो चारों भागों में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पुराने पेपर से आपको मैं समझाता हूँ कि पेपर आपका किस प्रकार से आता है। प्रथम वर्ष पशुपालन डिप्लोमा परीक्षा 2019, तो यह फर्स्ट ईयर का पेपर है, और सेकंड ईयर का पेपर भी इसी प्रकार से आता है। इसका पैटर्न इस तरह से रहता है। देखिए, यह 2019 एनिमल मैनेजमेंट LPM का पुराना पेपर है, और इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, और जिनका जो मीडियम है हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी में आंसर लिखने, और अगर आपका इंग्लिश में मीडियम है तो आपका इसमें आंसर इंग्लिश में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का, तो इसमें आपको 10 के 10 ही क्वेश्चन पूरे करने होते हैं जो रिक्त स्थान होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि डीप लिटर पद्धति में बिछावन की मोटाई कितनी होती है, तो वो 8 से 12 इंच की होती है, तो आपको आंसर क्या होगा, 8 से 12 इंच, तो आपको ये आंसर इस रिक्त स्थान में भरना है। और सेकंड क्वेश्चन है घोड़ी में ब्याज की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, वो फॉलिंग कहलाती है। तो और इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन है स्वदेशी जो गोवंश में सबसे भारी नस्लें हैं, तो वो है कांकरेज, और एकल कुबड़ उड़ का वैज्ञानिक नाम तो कैमलस ड्रोमेडेरियस है। तो इसी प्रकार से आपको ये रिक्त स्थान है उसमें 10 के 10 ही क्वेश्चन लिखने हैं। और इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किन्हीं 5 को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल 50% फायदा होने वाला है कि आपके पास 10 टोटल 10 डिफाइंड है परिभाषा है, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 परिभाषा लिखनी, और प्रत्येक परिभाषा 2 नंबर की है, तो आपको 5 परिभाषा लिखनी है जो टोटल 10 नंबर की है। तो इसमें देखिए लैम्बिंग ग्लेविन ग्रुप है, रैम है, गल कंबल है, कान की टैगिंग है, ईयर टैगिंग, इनक्यूबेशन है, किल बोन है, किडिंग है, हर्ड है, चीक है। तो इन 10 में से आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन। अगर उसकी डिफाइन एक लाइन की है तो आपको एक लाइन में ही लिखना है। जैसे कि इसमें 9th क्वेश्चन दे रखा है कि हर्ड, तो हर्ड किसे कहते हैं, तो जो गाय भैंस का ग्रुप होता है उसको हर्ड कहते हैं। बस इतने आपको आंसर लिखना है, ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना है। तो आपका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आता है
कि निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अर्थात डिफाइन से थोड़ा ज़्यादा लिखना है। और आपको फिक्स जगह भी दी होती है कि आपको इतनी सी जगह में आपका पूरा आंसर लिखना है। तो इसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं और 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करने और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 यानी कि 2.5 नंबर का आता है। तो ये भी टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तीसरा। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि गोवंश में उम्र ज्ञात करना। तो उम्र ज्ञात किस किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि उसकी साइज देख कर है, उसके दांतों को देख के है, सिंह के बलों की संख्या देख के है। तो इस प्रकार से आपको जो भी उम्र ज्ञात करने का तरीका है वो आपको इसमें लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है कुकुरशाला में बिछावन के फ़ायदे। तो इसमें जो भी एडवांटेज है इसके वो आपके आपको लिखने हैं। और इस प्रकार से बच्चे नवजात बछड़े की देखभाल करना है, गायों में टीकाकरण की समय सारणी है, गाय के प्रसव के लक्षण है, दूध होने की विद्या है। तो इसमें टोटल 2 विद्या होती है, हैंड मेथड और मिल्किंग मेथड। और उसमें वापस किस किस तरीके से हम दूध निकाल सकते हैं वो लिखना है, ऊँट का वैज्ञानिक वर्गीकरण करना है और गोवंश में वैद्यकरण की विधियाँ। तो इस प्रकार से आपके टोटल इसमें तीसरे क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हो, जिसमें आपको जस्ट डबल फायदा होता है कि 8 में से सब क्वेश्चन यार तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो हमें लिखने हैं। और इस प्रकार से हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, जो वो भी 10 नंबर का होता है और इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि पशु उत्सर्जन व अन्य अपशिष्ट के पुनर्जनन के पुनर्चक्रण के बारे में विस्तृत वर्णन करना है। और दूसरा क्वेश्चन है मुर्गी पालन की आवास व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए, गाय और भैंसों की नस्लों का विस्तृत वर्णन कीजिए, पालतू पशुओं को चिन्हित करने के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो इन चारों क्वेश्चन में से जो भी आपको पूरा क्वेश्चन आ रहा है वो आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपका जो एक्सटर्नल का पेपर आता है यूनिवर्सिटी का वो इस तरह से आता है। और यह टोटल 40 नंबर का होता है। फिर आपके जो प्रैक्टिकल पेपर आता है वो भी 40 नंबर का होता है, जिसमें से एक या 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10 नंबर का वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है। और जो स्पोर्टिंग होती है इसमें आपको ये सब क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपका टोटल 100 नंबर का पेपर आता है और आपको ये हल करना होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।